हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में बनाने वाले हैं दोस्तों ग्रेवी वाली भिंडी। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। ग्रेवी भिंडी बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों, ये देखिए इतना सा लिया है मैंने फ्रेश भिंडी। इसको मैंने अच्छे से काट लिए हैं और साथ में मैंने इधर लिया है एक बारीक काटी हूँ, बड़े बड़े काटा है मैंने प्याज, अदरक लहसुन कद्दूकस कर ली हूँ, एक टमाटर काटा है, थोड़ा सा हरा धनिया। तो अब बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, तो गर्म हो गया है कढ़ाई। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो तेल गर्म हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर डाल रहे दोस्तों देखिए आधा चम्मच ये मेथी दाना है, कलौंजी, राय। तो ये सब चटक गया अच्छे से दोस्तों, तब यहाँ पर प्याज डालते हैं। तो जब तक हमारा प्याज भून रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है कटोरी में आधा कटोरी दही। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, तीखा यहाँ पर आप दोस्तों अपने हिसाब से लीजिएगा। तो प्याज हमारा यहाँ पर अच्छे से भून गया है दोस्तों। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक का कद्दू कर देती है, अब इसको डाल देते हैं। और साथ में इधर मैंने ये काली मिर्च कुची थी दोस्तों गिलास में, अब इसको भी डाल देते हैं। तो अच्छे से भून गया है दोस्तों प्याज लहसुन अदरक। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कटा हुआ भिंडी। तो भिंडी यहाँ पर अच्छे से भून गया है दोस्तों, ये देखिए इसको एक से दो मिनट तक हम भून ले रहे हैं, इसे चलाते हैं इसी तरह से। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, तो इसको मिलाते हैं इसी तरह हम चला लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं कटा हुआ टमाटर। टमाटर हल्का सॉफ्ट होने तक हम इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। सभी मसालों में अब गरम मसाला डाल रहे दोस्तों छोटी। तो अब दही में अच्छे से मिला लेते हैं मसाला को। तो देखिए दोस्तों अच्छे से मिला रहे हैं। तो टमाटर इधर हमारा होगा तो हो गया दोस्तों, मसाला भूनते भूनते टमाटर अच्छे से गल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं दही के साथ सारे मसाले। तो इसी कटोरी के थोड़ा सा धोकर डाल देते हैं दोस्तों मसाला लगाने का। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी बहुत अच्छे से भून गया है। तब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो भिंडी हमारा अच्छे से भून गया है दोस्तों, मसाला के साथ खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ पानी, इसमें मैंने एक गिलास पानी लिया है दोस्तों। और आधा गिलास और पानी लिया है दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के मैंने डेढ़ गिलास पानी डाले हूँ ग्रेवी के लिए। तो इसको अब अच्छे से चला करके और ढक करके इसको कम आंच में, ज़्यादा कम नहीं करना है दोस्तों। और इसको पका लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। तो 3 से 4 मिनट हो गया है दोस्तों। अब हम सब्जी को चेक करते हैं खोल करके, ये देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से बन गया है दोस्तों, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अब ग्रेवी हमें जैसा चाहिए था वैसा है ग्रेवी, ये देखिए। तो इसको आप ढक करके हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो मेरी ये ग्रेवी भिंडी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।